दोस्तों, अगर आप भी एक महीने में अपना मनचाहा वजन घटाना चाहते हैं तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी गूगल करते हैं, यूट्यूब पे लाखों वीडियो सर्च करते हैं कि कैसे मैं कम टाइमिंग में बिना ज्यादा मेहनत करे वेट लॉस करूं, तो उसके लिए आपको आती है फैट लॉस बर्निंग पिल्स, जो सबसे प्रॉब्लम क्या करती है, आपका वेट लॉस तो करती है लेकिन जब आप उसको लेना बंद कर देते हैं तो आपका वजन उतनी ही तेजी से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ता है, जो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में देखा है। लेकिन आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको चैलेंज करने वाली हूँ कि सिर्फ एक महीना आप मुझे दे दीजिए और मेरे इस डाइट प्लान को फॉलो कर लीजिए, तो आप अपना मनचाहा वजन घटा पाएंगे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के और वो भी नेचुरल तरीके से। थोड़ा सा सुनकर हो गए है ना हैरान। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक है कि बिल्कुल अपने अंदर की होप को खत्म कर चुके हैं कि यार मैं भी कभी पतली होंगी, मैं इतनी मेहनत तो नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, या आप बॉडी शेमिंग फील कर रहे हैं, बहुत लोग आपको टोंट मारते हैं और आप बहुत मोटे हैं, तो आज से इस इंटरमीडिएट फास्टिंग को आप फॉलो करें और फिर देखें आपका वजन कैसे कम होगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये ऐसी फास्टिंग है जो हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारी लड़कियां शुरू से फॉलो करती आ रही हैं बचपन से, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे उसका सही तरीका है, क्योंकि हमारे कल्चर में होता है कि हमें किसी भगवान जी को मान के उनका फास्ट रखते हैं। तो लेकिन उस तरीके से आप कैसे वेट लॉस कर सकते हैं आज आपको मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना स्किप करें इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो वेट लॉस आपका इम्पॉसिबल है। और अदरवाइज अगर आप इस चीज को ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपका एक महीने में आपके अकॉर्डिंग मनचाहा वजन कम हो जाएगा, और वो भी इतना फास्ट होगा कि जो आज तक कभी पॉसिबल नहीं हुआ होगा। देखिए, वजन घटाने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग आजकल बहुत ज्यादा चलन में है और ये इतना आसान तरीका है जिससे आप इसको फॉलो करके अपने वेट लॉस जो है आपका प्रोसेस बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। ये आपके फैट को कट करता है और साथ में आपके शरीर में कमजोरी भी नहीं होने देता। आपको इस फास्टिंग को करना कैसे है, क्या सही तरीका है और किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करूंगी। जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है, इसमें आपको पर्टिकुलर टाइमिंग पे खाना खाना है और कुछ लंबे समय तक आपको खाना खाना बिल्कुल छोड़ना है। क्या करना है, सुनिए ध्यान से। जब आप इस वेट लॉस या वजन घटाने का प्लान बनाते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको दिन के 16 से 20 घंटे कुछ नहीं खाना। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको सिर्फ 4 से 8 घंटे का समय मिलता है जिसमें कि आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप कम कैलोरी वाले फूड और हल्के पेय पदार्थों का ही सेवन करेंगे। इसके लिए आप इसमें कम कैलोरी वाली सब्जियां, सूप, चाय, कॉफी, नारियल पानी को शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसका टाइमिंग जानना चाहते हैं तो जो मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ वो टाइमिंग बहुत इजी है, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी और आसान बना देगा। मेरा फास्ट का टाइमिंग है रात के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक, क्योंकि अगर आपने 8 बजे से पहले डिनर कर लिया, खाना खा लिया, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप एक दो घंटा टीवी देखकर सो जाएंगे और आप थोड़ा लंबे समय तक सो सकते हैं। वजन घटाने के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होता है वीक में 2 दिन भी आप रख सकते हैं, यानी 5 दिन आपको नॉर्मल अपना डाइट प्लान फॉलो करना है सुबह से रात का, और 2 दिन आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग रखनी है, यानी कम कैलोरी वाला खाना खाना है और ज्यादा घंटे आपको भूखा रहना है। इंटरमीडिएट फास्टिंग थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको ये ट्रस्ट दिलाती हूँ कि जो घंटों आप पसीना भाते थे ना जिम में, जो आप मेहनत करके थक चुके थे, उससे ये बहुत ही आसान है। तो चलिए जानते हैं कि अगर आप रात के 8 बजे से सुबह के 12 बजे तक अगर आपको थोड़ी सी भूख फील होती है या थोड़ा सा आपको कमजोरी फील होती है तो आप क्या खाएं, आप क्या खा सकते हैं। आप जो मुझसे पूछेंगे मैं ये खा सकती हूँ, वो खा सकती हूँ, बेसिकली हमें इन घंटों में क्या करना है, अपनी बॉडी का इंसुलिन कम करना है। जब हमारी बॉडी का इंसुलिन कम होने लगता है तो हमारी जो बॉडी है वो अपने अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए जो हमारे शरीर में जमा स्टोर फैट है ना, उसको ये अपने आप यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। तो अगर आप वो इंसुलिन बढ़ा देंगे, यानी आप कुछ खा लेंगे, आपको एनर्जी मिल जाएगी, तो थोड़ा सा भी फ्रूट अगर आप खा लेंगे या कोई भी ऐसी चीज ले लेंगे तो आपका इंसुलिन सीधा से स्पाइक करेगा, ऊपर जाएगा, और जैसे ही इंसुलिन आपका बढ़ेगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, वो आपका फैट कट नहीं करेगी जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर है। तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और या तो फिर ब्लैक कॉफी एक बार ले सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लेना आपने। अब आपके माइंड में आएगा हम क्या करें, हम कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस ले सकते हैं मार्केट वाले, तो बिल्कुल भी नहीं। जब आपने फास्टिंग को ब्रेक डाउन करना है
तो भी आपने मार्केट में मिलने वाले टेट्रा पैक्स का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल या अनहेल्दी फूड का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बहुत लोगों की ये मिथ है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो लोग क्या करते हैं, इतने घंटे भूखे भी रहते हैं लेकिन 4 से 8 घंटे में बहुत ज्यादा घी वाले पराठे, फ्रेंच फ्राइज, ये सब चीजें इनटेक करना शुरू कर देते हैं, जो आपके पूरे फास्टिंग का सत्यानाश कर देती है। तो आपने वीक में 2 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अगर 2 दिन नहीं कर पा रहे तो 1 दिन करें, लेकिन प्लीज पूरा दिन बहुत हेल्दी डाइट लें। तो इससे आप खुद नोटिस करेंगे कि जब इतने घंटे आपकी बॉडी को कोई खाना नहीं मिलेगा, लेकिन पानी की कमी नहीं होने देनी क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका जो बॉडी है वो अपने आप से आपके जो शरीर में जमा फैट है उसको काटना शुरू हो गया है। तो 1 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर इतना ह्यूज डिफरेंस मिलेगा वेट लॉस में, जो आज से पहले आपने ना ही कभी इमेजिन करा होगा और ना ही आपको कभी ये रिजल्ट मिला होगा। लेकिन इसके साथ आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है, हाँ उतनी ज्यादा नहीं करनी जितनी आज तक आप कर रहे थे, क्योंकि आप घर पर हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना, लॉकडाउन पीरियड है। तो जितना अच्छा वर्कआउट करेंगे इससे आपकी बॉडी भी अंदर से साफ रहती है, आप इंटरनली फिट रहते हैं, यंग रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। वीडियो को जमकर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।